नौवीं सूची में इस विषय को डालने की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी, हम लोग आज भी करते हैं। जहाँ तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो भैया आपके पास तो आपका राज्य है, आप करके दिखाइए जो आप सोचते हैं। आप बिहार में तो करवाइए मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे आपकी सरकार है। अगर आप मानते हैं तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए, बिहार में आप करके दिखाइए ना पहले, हम लोग समर्थन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। EWS आरक्षण के साथ साथ जातीय जनगणना को लेकर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया था और उन्होंने यह तक कहा था कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हो रही है उसी तरह देश के सभी राज्यों में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है और यह तक कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा रहे हैं तो इसका समर्थन चिराग पासवान भी करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। भाई मुख्यमंत्री जी कहते क्या हैं करते क्या हैं, ये उनकी सोच और उनकी कार्यशैली में हमेशा से हम लोगों को एक मतभेद देखने को मिला है। पहली बात EWS को लेकर हम लोग शुरू से हम लोग कहते रहे थे कि भैया जो आर्थिक तौर पर ऐसे लोग जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं पर आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उन लोग मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समर्थन किया था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जो, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोग की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो आज से नहीं लंबे समय से इसकी मांग करती आई है और हम लोगों ने इस बात को भी संदेह हम लोगों ने हमेशा जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में इस विषय को उलझाया जाएगा, नौवीं सूची में इस विषय को डालने की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी, हम लोग आज भी करते हैं कि भविष्य में भी कहीं कोई इसके ऊपर इसको लेकर आगे पीछे कोर्ट कचहरी में इस मामले को करने का प्रयास ना करे। जहां तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो भैया आपके पास तो आपका राज्य है, आप करके दिखाइए जो आप सोचते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। तो भाई ये मांग तो पहले भी उन्होंने की थी, गए थे वो प्रधानमंत्री जी से मिलने। आप बिहार में तो करवाइए मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे आपकी सरकार है। अगर आप इतना ही आप इस विषय को अगर आप मानते हैं तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए, बिहार में आप करके दिखाइए ना पहले, हम लोग समर्थन करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना EWS आरक्षण को लेकर भी चिराग पासवान ने अपना बयान दिया, वहीं जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार से पहले भी यह मांग कर चुके हैं कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसको लेकर भी आज चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं तो उनका समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी करेगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।